इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जब जब मुहर्रम आता अपने पांव से नालैन उतार लेती और जिससे भी मुलाकात होती रोके करबला का दास्तान बताती। नवासाए रसूल फरमाती, ऐ मेरे नाना की उम्मत, जब जब मुहर्रम के अय्याम आए तो मासूम बच्चों को पानी जरूर पिलाया करो, क्योंकि हमारे घर वालों को इन मुहर्रम में 3 दिन का भूखा प्यासा करके शहीद किया गया था। और जब 5 मुहर्रम शुरू हो तो मुसलसल 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन के कातिलों पर लानत भेजते रहना, क्योंकि जब जब मुहर्रम आता है तो आज भी फरिश्ते जमीन के चारों तरफ परवाज करते रहते हैं और हर इंसान के चेहरे को देखते हैं कि ये नवासा रसूल के कातिलों में शुमार है या उनके मुहिब्बों में। ऐ लोगो, 5 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन के कातिलों पे जब तुम लानत भेजोगे तो अल्लाह के रहमत बांटने वाले फरिश्ते ये मालूम कर लेंगे कि तुम हम अहल बैत से मोहब्बत करने वाले हो और यूं तुम्हारे घरों में गैबी रिज्क आने लगेगा, तुम्हारी हाजतें गैबी वसीले से पूरी होने लगेंगी।